ग्लैन की दूसरी फोटो है, ये पहली फोटो, ये सेकंड फोटो, और ये इस एफएफ का, इस मार्शन एफएफ का चैप्टर नंबर 3 है। उससे पहले बताना चाहती हूँ कि जो चैप्टर नंबर 1 में एंगर वर्ड था उसकी मीनिंग थी गुस्सैल, और इसके बाद मैंने चैप्टर नंबर 2 में एक वर्ड था कि मेन क्लैंस यानी कि मुख्य कबीला, कबीले क्लैंस बोला तो कबीले होगा, और अडॉप्टेड यानी गोद लिया हुआ बच्चा, अडॉप्टेड सन, सन यानी कि बच्चा, जंग क्लैन में लैंसिचन एंड क्लैन से जियांग क्लैन जाता है, लैंसिचन को प्यार होता है जियांग चैंग, फर्स्ट साइट में एक तरफा प्यार, एक तरफा पर जियांग चैंग के साथ लैंसिचन को प्यार हो जाता है। जब वह जियांग चैंग का क्लैन जाता था जियांग क्लैन में, जियांग फैंग म्यान, जियांग चैंग एक अच्छा जियांग डिसिपल और बच्चा है, वह सिखा रहा था स्वॉर्डमैनशिप स्टूडेंट्स को, क्या अच्छा दिखता है जब, लेकिन ये दिखता गुस्सा है, मैं तुम्हारे साथ प्यार में हूँ, ये लैंसिचन कहता है और उसे फील होता है। तो लैंसिचन देखता है कि मेरा भाई यानी कि लैन वांग जी इनफ नहीं है इस लड़के के लिए, के लिए यह वहाँ ब्यूटीफुल गर्ल होनी चाहिए जैसे कि वेंचिंग, कौन इस उससे शादी कर सकता है और बर्थ देगा इसके चाइल्ड, आने को चाइल्ड को, और क्या उसे प्यार होगा, क्या उसे प्यार कर चुका है, तो क्या अब क्या करता है। आई वॉन्टेड टू बी मैरिड विद हिम, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ मैरिज करूँ। आई हैव कम टू जियांग क्लैन, मैं जियांग क्लैन में पहुँच चुका हूँ, तो अब मैं जाता हूँ आगे और मैरिज प्रपोजल लेके जियांग चैंग के क्लैन। मैं सोच रहा हूँ कि यह एक लड़की के लिए जैसे कि वेंचिंग होनी चाहिए जो हमारे जियांग चैंग के साथ शादी कर सके, तो मैरिज के साथ मैरी शादी के साथ शादी होना और फिर उनके बच्चे होना। आई विश आई गेट इट मैरिड बट दिस प्रपोजल इज़ नॉट फॉर मी बट फॉर माई यंगर ब्रदर, मेरी इच्छा है कि मैं उसे शादी करूं, लेकिन यह प्रपोजल मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई के लिए है। मेरी इच्छा है कि मैं उसे साथ शादी करूं और लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूं क्योंकि यह वाइफ मेरे छोटे भाई के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैं सोचता हूं तो मैं यह कर सकता हूं लेकिन मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि ऐसा काम होना चाहिए, और मैं उसके यहाँ पे जाने के लिए आ चुका हूँ और मैं उसके यहाँ पे अब चल रहा हूँ। आई मस्ट गो ऑन नाउ, मैं अब पहुँच ही चुका हूँ। लैंसिचन जाता है आगे और जियांग चैंग को देखता है। जियांग चैंग के फादर बोलते हैं कि यह प्रपोजल तुम्हारे लिए और उसके उससे है, यह प्रपोजल इज़ फॉर योर बेबी बॉय, यह प्रस्ताव तुम्हारे लड़के के लिए है, यह प्रपोजल इज़ अ मैरिज प्रपोजल, यह एक मैरिज प्रपोजल है, क्या तुम इसे देख सकते हो। लैंसिचन कहता है वार्म स्माइल के साथ, कहता है कि मैं आपको आपसे आया हूँ, आपके लिए आया हूँ यह मैरिज प्रपोजल, प्लीज़ इसे लीजिए। क्लाइंट एज यंग इस मैरिज प्रपोजल को अपने हाथों में लेते हैं और इसे देखते हैं, और देखकर मैरिज प्रपोजल को देखकर बोलते हैं कि तुम एक्सेप्ट करते हो यह मैरिज प्रपोजल, वेदर वी शुड डिस्कस, हमें अभी पहले डिस्कस करना होगा या फिर नहीं, कृपया मुझे बोलें रीडिंग और सीइंग के लिए, देखने और पढ़ने के लिए। ये हमारा प्यारा जियांग चैंग कहता है, और मैरिज प्रपोजल यह देखते हुए टेल मी वेदर यू आर प्रूव्ड और नॉट, जो हमारा क्लैन लीडर जियांग है, जियांग फैंग म्यान, वो कहता है कि क्या तुम इस अप्रूवल को अप्रूव करना चाहते हो या नहीं, कृपया मुझे आंसर दो। तो देखते हुए मैरिज प्रपोजल लैन क्लैन जियांग कहता है कि मेरा आंसर अभी पक्का नहीं कर सकते क्योंकि ये कंप्लेन नहीं होनी हो चुकी होगी, क्योंकि ये के साथ एक मैरिज प्रपोजल है और मैं इसे अप्रूव तो करना चाहता हूँ, बट यह के साथ मैरिज प्रपोजल और मैं
इस मैच प्रपोजल को छोड़ता हूँ और मैं अपने बेटे को इसे देता हूँ और यही जान के बताएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। तो मैं गुस्सा तो मैं दुखी तो नहीं हूँ इस प्रपोजल के लिए, मैं खुश हूँ इस प्रपोजल के साथ। मैं पूछता हूँ मेरे बेटे से कि वो बताएगा कि क्या वह इस प्रपोजल के लिए दुखी है या नहीं, क्या वो इस प्रपोजल को देख चिंता में तो नहीं है। आई लिव दिस मैरिज प्रपोजल टू माई सन। मैं इस प्रपोजल को मैं अपने बेटे को देता हूँ, मतलब देकर छोड़ता हूँ। तो मैं उसे बुलाता हूँ, यहाँ आओ मेरे बेटे, इसके बारे में मेरा सन आता है और मेरा सन कहता है आई ग्रीट यू ऑल, एक्सेप्ट माय सैल्यूटेशन एंड हैव यू कॉल्ड मी हियर फादर। तो कहता है कि आई ग्रीट यू ऑल, मैं सभी को ग्रीट करता हूँ और सैल्यूटेशन, मतलब कि जो ग्रीट करने में सैल्यूटेट किया था, मेरे सैल्यूटेट को एक्सेप्ट कीजिए, मतलब मेरे जो मैंने प्रणाम किया उसको एक्सेप्ट कीजिए और स्वीकार। मेरे फादर, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है मुझे बोलने के लिए? तो आई विल लिसन, मैं सुनूंगा और समझूंगा तुम्हारे वर्ड्स और फिर आई विल टेल यू माय आंसर, तभी मैं फिर मैं अपने उत्तर को बोलूंगा, तुम्हें उत्तर को बोलूंगा। प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ मुझे बोले, कृपया मुझे बोले, आई वॉन्ट टू हेयर सो मच, आई हैव कम टू हेयर दिस, कृपया मुझे बोले, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे सुनना चाहूँगा और मतलब चाहता हूँ और मैं से और यह सुन चुका हूँ। मेरा उत्तर अभी यह फील नहीं है बुरा कि इस मैच प्रपोजल के लिए मेरा उत्तर अभी बुरा महसूस हो रहा है इस मैरिज के बारे में। पहले जियांग चैंग का आंसर सुनने पर पहले इसे आने के माइंड में आए दो और फिर आई हैव हियर्ड रूमर्स, मैंने ये रूमर सुना है कि वहाँ लड़कियाँ और लड़के इक्वल कंसिडर्ड की जाते हैं और मैं पूछना चाहता हूँ कि मेमोराइज और फॉलो 3000 रूल्स कि वहाँ पे मुझे याद आता है कि वहाँ पे 3000 रूल्स हैं और उन्हें फॉलो भी किया जाता है, मैं भी उसे फॉलो कर सकता हूँ। आई एम स्क्रीड, मैं डरा हुआ हूँ कि सोचिए कि क्या मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाऊँगा, क्या मैं उन 3000 रूल्स को याद कर पाऊँगा। यह मेरे लिए इच्छा है कि मेरी लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी, मैं डरा हुआ हूँ कि यह सोचता हूँ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ यह मैरिज, तुम डिस्कस कर सकते हो इस बारे में फर्दर के दौरान, तुम मैरिज प्रपोजल सकते हो इसे लेकर परमिशन सभी ऑल ऑफ यू सभी से है कि अब मैं स्टूडेंट्स को सिखाने जा रहा हूँ, अभी और स्टूडेंट्स को सिखाने जा रहा हूँ लेसन, और मैं यानी कि गायना जंग और ऑल द पीपल से भी पीपल को अलाउ करना चाहिए मुझे कि आगे बच्चों को पढ़ाने के दौरान उन्हें पढ़ाने के लिए जाने के लिए। थैंक यू ऑल फॉर ऑलिंग मी, मुझे अलाउ करने के लिए थैंक यू। ये जंग जंग कहता है मैं जा रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ इसे, जब मैं मतलब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो छोड़ना ही होगा ना फिर वहाँ से जाना, जब मैं थैंक यू सब ने मुझे अलाउ किया यहाँ से जाने के लिए, जब मैंने परमिशन ली, लेकिन यहाँ वहाँ से जियांग चैंग जाता है, सभी पीपल लेंशन और लैंड जियांग के साथ सेलिब्रेट करते हैं, रिजॉइस टू हियर दिस सुनने पर और ज्वाइन करते हैं वहाँ, और मैं सैड था जब वह कहता है कि मैं देखता हूँ वहाँ, और मैं बुरा महसूस हो रहा था इसके बारे में कि उसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं दुखी हूँ इस बारे में। वहाँ सेलिब्रेशन के बाद लेंशन वहाँ से चला जाता है, दोबारा यहाँ से चला जाता है और सभी पीपल के साथ लेंशन और कैलेंडर जियांग सेलिब्रेट करते हैं जस्ट टू हियर सुनने के बाद, और स्टूडेंट वहाँ ज्वाइन होते हैं, और मैं दुखी था जब वह सुनता हूँ इस बारे में, तो मैंने लेफ्ट सुनता हूँ इस बारे में, तो मुझे दुख हुआ कि नहीं उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं दुखी हूँ इस बारे में। वहाँ सेलिब्रेशन के बाद लेंशन वहाँ से चला जाता है, लेंशन लेफ्ट होने के बाद डॉग हाउस जाता था। आई टोल्ड दिस गुड न्यूज़ टू माई एल्डर्स।
सॉरी डॉक्टर हाउस नहीं, पर लाइन हाउस आना चाहिए था, शायद गलत लिखा हुआ है, तो शायद गलत लिख दिया थोड़ा बहुत। तो मैंने बोला था कि कुछ नहीं, मेरे एल्डर्स और मेरे लंच और मेरे लंचन अंकल के लिए, इनके लाइन क्लैन लीडर जो अंकल हैं हमारे लंचन के, और अंकल लंचन खुश हुए थे सुनने पर और रेस्ट करते हैं, और उनके जो वज़न था वो हल्का हो जाता है, वो रेस्ट करते हैं, और फिर वह प्रपोजल के अकॉर्डिंग एक कुछ दिन बाद जियांग क्लैन से स्टडी, सिर्फ स्टडी के लिए आ रहा था। मैं आता था जानता हूँ कि जब वह वहाँ था, आई वॉज टोल्ड डेट हिज डॉटर, मैंने बोला था कि उसकी बेटी और उसका अडॉप्टेड सन और वो भी आ रहे हैं जियांग क्लैन के बच्चों में से के साथ, क्योंकि अगर वह अकेला पड़ जाएगा, दुखी हो जाएगा, तो इसलिए जैंग फैमिली नहीं चाहते हैं कि वो दुखी फील करे, हमारा जैंग फिर वह वह डिसपॉइंट हो जाएगा, क्योंकि डेट्स वाई, क्योंकि जैंग फैमिली आई बनता है, जैंग फैमिली ने तो जानते हैं कि अगर वो उसके साथ आएंगे तो जैंग चंग यानी कि हमारा प्यारा आचेंग को हम जैंग चंग भी कहते हैं, आचेंग को मतलब जैंग चंग को हम आचेंग भी कहते हैं, या वह सिर्फ आएगा अकेला, तो फिर कुछ अन्य बहन और के साथ अडॉप्टेड ब्रदर के साथ भी उसे के साथ आएगा, और जियांग क्लैन से लेकिन आता है, लेकिन क्लैन लीडर जियांग बोलते हैं कि जब मेरा बच्चे तुम्हारे प्लेस में पढ़ने के लिए आते हैं, फिर मेरा डॉटर विद उन्हें और मेरा बच्चा और मेरा लड़का और अब मेरा सन के साथ अपने सन भी आ जाए, तो ही विल आल्सो कम, वह भी ये आएगा। कुछ दिन बाद जियांग फैमिली टोल्ड दैट इट्स पेरेंट्स के साथ, इसे पेरेंट्स होकर मेरे जो फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड का जो बेटा है वी इंक, तो बोलते हैं कि वह और वह लड़का वह लड़की मरे थे, यानी कि वी चांग से और कांग सैन जो विंग की माता पिता मदर हैं वो मरे थे, मेरी वजह से मैंने उन्हें मुझे बचाने के चक्कर में वो दोनों मर गए, इसलिए मैंने उसे अडॉप्ट किया। क्या मैं चाहता हूँ कि क्या ये इसे एक्सेप्ट करते हैं, क्लैन लीडर चांग चाहते हैं कि अडॉप्ट करें इस चाइल्ड को, इस बच्चे को, क्योंकि डेट्स वाइज यंग फैमिली जिंदा है आज, और क्लैन लीडर चांग थैंकफुल है उनके पेरेंट्स के लिए। अगर वो नहीं चाहते कि मुझे यानी कि क्लैंड जियांग को बचाना, तो फिर वो नहीं बच पाता, तो ये एक्सेप्ट नहीं करती हमारी मैडम यू। तो यहाँ पे लाइन है कि क्लैंड जियांग कांट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्लैंड जियांग एक्सेप्ट करते हैं, और क्लैंड जियांग सभी से पूछ रहे हैं कि क्या तुम ऐसा करोगे, तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ ये चीज़, तो मैं जो ज़रूरत है उसे अडॉप्ट करने की, तो वो हेल्पलेस, वो मददहीन हो जाएगा और अकेला हो जाएगा, और उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होंगी मैं प्रे करता हूँ उसके फ्रेंड की, मेरे फ्रेंड की डेथ के साथ मैं प्रे करता हूँ, क्यों, बिकॉज ऑफ मेरी वजह से। और फिर कुछ दिन के मौन रखते हैं ना जब लोग मर जाते हैं, तो उसका जो गम मनाते हैं वो करने के बाद मैं उस बच्चे को अडॉप्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि इसे एक्सेप्ट करें, क्लैन जियांग जा रहे हैं इसे अडॉप्ट करने के लिए, एक नहीं कर सकते हैं मुझे इसे अडॉप्ट करने से कोई रोक सकता है, सभी से ये सब कहते हैं और सभी अमेज जाते हैं, लेकिन मैडम में खुश होती हैं देख कर, क्योंकि उसका हस्बैंड सर्वाइव कर गया, उस बच्चा के नाम है अडॉप्ट तो नहीं है, लेकिन वो अब अनाथ हो गया, डिस्टिट्यूट हो गया, अनाथ हो गया वह, यानी कि मैडम यू लेट्स इरिटेट हो जाती हैं जब ये सुनती हैं कि वो एक बच्चा अडॉप्ट करने वाले हैं, लेकिन वह यह सुनकर कुछ नहीं कर सकती हैं। जियांग फैमिली अडॉप्ट करता है अडॉप्टेड सन हमारे प्यारे विंग को, तो मैडम यू कभी भी प्यार नहीं करती है विंग को, लेकिन विंग प्यार करता है जियांग याली को, अपनी मदद के लिए अडॉप्टेड सन जियांग फैमिली के अडॉप्टेड सन जियांग क्लैन का नहीं, जियांग क्लैन के नेम से है विभूषण, जो वी तो उसका सरनेम ही है, तो
तो विभूषण इनकी हम जिसे प्यार से विंग कहते हैं, यंग फेमैन उसे बुलाते हैं, यंग फेमैन यंग अंकल उसे बुलाते हैं। वी इंग डॉक्टर से डरता है, तो जब विंग पहुँचता है डॉक्टर से पहुँचता है जंग लैन, तो जंग लैन के डॉग्स को वहाँ पर रिमूव कर दिया जाता है इस प्लेस से। और जंग चेंग दुखी था क्योंकि उस और उसकी जो सिस्टर है एक्सप्लेन करती है उसे कि वो बच्चा है वो डरता है उन कुत्तों से, तो इसलिए क्योंकि वह वहाँ से जा रहे हैं वो डॉग्स, तो जंग यानली जाती थी बच्ची पर बैठ जाती है बैठी थी सॉरी जब बर्ड्स जाते हैं और उसे देखते हैं तो वह डरता है, उसे देखते हैं तो टीपर होती है और वह कहती है कि तुम केयरफुल होना, आई विल कैच यू, मैं कैच कर लूँगी, मतलब टीपर तो हमारा प्यारा विंग था, तो विंग को कैच करने के लिए जंग यानी आती है, तो कहती है कि मैं कैच कर लूँगी, मैं इसे कैच कर लूँगी। तो ड्यू टू इस दौरान मतलब इस कारणवश वो करा मैं नीचे पीछे गिरता है हमारा विंग, तो फिर विंग गिरता है तो फिर जंग यानी उसे वहाँ से पकड़ लेती है, तो जंग चैंग कहता है कि विंग मतलब सॉरी मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, तो विंग यहाँ से हट गए हैं मेरी प्लेस है, तो अचंग कहता है अचंग को बुरा लग रहा था इस वजह से, लेकिन जंग चैंग को बुरा नहीं फील करता है अब क्योंकि विंग है ना उसके साथ यहाँ पर रहने के लिए, उसके साथ रहता है, मेरा बहन है मेरा फादर यह मुझे बोलते थे, क्योंकि आस्क इन अमेजमेंट इज ट्रू, यह सच है कि अमेजमेंट है, मैं इसे बिलीव नहीं कर सकता हूँ। कुछ दिन बाद विंग जंग चैंग और जंग यानली रेडी होते हैं गुसलैन क्लैन के स्कूल के लिए, तो यानी कि गुसलैन क्लैन स्कूल वही है हमारा क्लाउड डिसेस, तो जंग यानली जंग चैंग और विंग लैन क्लैन के विजिट करने के लिए उनके पेरेंट्स जाने पेरेंट्स से पहले वो पेरेंट्स कहते हैं कि जाओ बेटा जाओ, तो इसलिए यानी क्लैन के स्कूल वो लोग जा रहे हैं इससे पहले। तो जंग यानली रास्ते पर जंग चैंग और विंग अडॉप्टेड ब्रदर है हमारे जंग चैंग का, तो अडॉप्टेड ब्रदर, तो जंग यानली जंग चैंग और विंग जा रहे हैं साथ मिलकर रास्ते पर, टॉयज़ होते हैं स्वीट्स होते हैं स्वीट्स इनकी मिठाइयाँ होती है और अन्य शॉप्स अन्य दुकानें होती हैं, और दे आर लेंस दे वहाँ गलियाँ हैं उस रास्ते पर वह क्रॉस करते हैं, वह देखते हैं कि बहुत ब्यूटीफुल साइट है जगह मतलब किनारा साइड जगह है, वह अमेज आती है अमेज थी, और वह जाते हैं टॉय शॉप और अन्य गो टू द शॉप्स पर जाते हैं देख लेते हैं चीज़ों को और देखते हैं और ट्राई करते हैं कि वहाँ पे रहने का टू कर जाए इन रेंटेड हाउस में रहने का, तो रेंटेड हाउस में देखते हैं कि जिन जिस फैल इन लग होता जंग यानली से फर्स्ट साइट में ही, लेकिन वह रिफ्यूज़ कर देता है यहाँ पे रहने से, लेकिन मैं डेफिनेटली बाद में एक्सेप्ट करता हूँ रेंटेड हाउस में जिन क्लाइंट से ऑक्यूपाइड होते रेंटेड हाउस मतलब कि रेंटेड हाउस जिन क्लाइंट से भरा भरा होता है, तो फिर तो उन्हें उस क्लाइन उस रेंटेड हाउस में जंग क्लैन के मेंबर्स कोचिंग क्लैन के उस रेंटेड हाउस में रहने नहीं दिया जाता है, तो फिर वो लोग प्राइस डबल प्राइस नहीं मतलब से बेटर प्राइस देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एग्री नहीं होते हैं, तो वे एविटेड फ्रॉम देयर वो वहाँ से चले जाते हैं, फिर वहाँ से स्टे करते हैं अनदर रेंटेड हाउस में, और वे बुरा फील करते हैं। हम ट्राई कर रहे थे रुकने का वहाँ पर, लेकिन वह दुखी था है कि वह उनमें से कोई भी नहीं सुन रहा था हमसे, वह कोई सुन नहीं रहा था इस बारे में। वो लोग के नाम रेंटेड हाउस में कुछ दिन बिताने के बाद वे लीव करते हैं गुस्सा के लैन क्लैन में, वहाँ पहुँचने के लिए पहुँचते हैं, तो उसके लिए वहाँ पहले रहेंगे, फिर अब उन्होंने रेंटेड हाउस छोड़ दिया, तो रेंटेड हाउस के बाद वो गुस्सा लैन क्लैन की तरफ चल पड़ते हैं। पार्ट सेकेंड में मैंने ये बताया है कि जो विंग था वो जब जंग यानली के घर गया था यानी कि जंग लैन गया था, तो वहाँ पर डॉग्स थे, तो विंग फिर मैं डॉग्स देख के डर जाता है, तो फिर जो जंग फैमिन होते हैं वो डॉग्स को हटा देते हैं, तो जो हमारा आचंग यानी कि जंग चेंग होता है उसे गुस्सा हो जाता है दुखी होता है, तो फिर वो वहाँ से रूट के वहाँ से चला जाता है, तो फिर क्या नाम है विंग को अच्छा नहीं लगता कि यार मेरी वजह से जंग चेंग को प्रॉब्लम हुई है, तो फिर वो वहाँ से चला जाता है विंग, और ना एक पेड़ पे जाके ना
बैठ जाता है और वो चढ़ तो गया था पेड़ पे, लेकिन दुख इस बात का था कि वो चढ़ने के बाद ना वो भूल गया कि उतरना कैसे है, तो उतरने में डरा था। तो उसे जियांगयाल ढूंढ ढूंढ के आती है, जब वो आती है तो देखती है कि अरे विंग तुम यहाँ पेड़ पे चढ़ा हुआ है, वो कहती है कि तुम उतरो, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो कहते क्यों, तो वो कहता है कि मैंने चढ़ तो लिया लेकिन मैं उतर नहीं पा रहा, तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है तो मैं तुम्हें कैच कर लूँगी, मतलब पकड़ लूँगी, तो इसलिए तो फिर वो उसे पकड़ने के लिए कहती है नीचे आओ मैं तुम्हें पकड़ लूँगी, ऐसी जो ऐसे कहने पर विंग छलांग उतार छलांग लगा देते हैं, तो जो जियांगयाल होती है वो विंग को पकड़ लेती है, और जियांगयांग को भी अच्छा नहीं लगता कि यार मेरी वजह से विंग को प्रॉब्लम है और वो पेड़ पर जाकर चढ़ गया, उसे अब उतरने में भी टफनेस आ रही है, तो वो बड़े प्यार से कहता है विंग से कि जियांगयांग तुम क्या दुखी हो, मैं देखो पेड़ पे भी चढ़ गया, तुम्हारे डॉग्स भी चलेगा, तो क्या तो जो मैं जियांगयांग होता है वो बड़ी समझदारी से कहता है कि नहीं मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि तुमने प्रायश्चित करने के लिए तुम यहाँ पर आए हो ना, तो इसलिए ये मैं अपने आप से अलग से बता रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो इसलिए जियांगयांग कहते हैं कि तुम प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पे आ तो गए लेकिन तुम अब उतरोगे कैसे, अच्छा और भी चीज़ें ने उतार लिया, चीज़ें यानी कि बड़ी बहन जो जियांगयांग ली उनने उतार लिया, तो इसके बाद क्या नाम है उनका जो फिर वो लोग वहाँ से क्या नाम है जो जियांग हाउस से लैंड क्लैंड की तरफ निकले थे, फिर वो रेंटेड हाउस में गए, रेंटेड हाउस में कुछ दिन बिताने के बाद अब वो गुसलैन की तरफ जाएंगे। इस एक्सप्लेनेशन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।